देखिए व्यवसायियों का कई वर्ग है, एक कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई आपको कहते हैं कंपनी चलाते हैं, लेकिन हम लोग जो व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 80% व्यापारी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब आप समझते होंगे, कहीं से माल देश के कोने से लाकर बिहार लाते हैं और उसको हम लोग बेचते हैं, उससे जो टैक्स होता है उसको भरते हैं और वो जमा करते हैं, यही हम लोग का काम है। तो इस बजट से हमारे वर्ग के जो व्यापारी हैं उन सबको कोई आशा नहीं हुई है, निराशा है। होगा अच्छा होगा बजट, लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ा तो हम क्यों अच्छा कहें, हम लोग तो निराश हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन टैक्स की बात जिस दिन की थी, हमारे ट्रेडिंग करने वाले सारे व्यापारी गुदगुद होके कूद रहे थे कि बाहर वाह क्या होने वाला, लेकिन आज भी वही है। ट्रेड लाइसेंस हमको लग रहा है, पैसा कर लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, विभिन्न तरह के टैक्स के लिए हम ऑफिस और साहब लोग के यहाँ सीए लोग के यहाँ चक्कर लगाने, कहाँ वन नेशन वन टैक्स हुआ। ये तो हमको वो हो गया लालीपॉप, आपने दिखाया प्रधानमंत्री जी विश्व के श्रेणीय प्रधानमंत्री कहलाते हैं, लेकिन हम लोगों को जो ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, उनको उस घोषणा के बाद से आज तक किसी तरह की खुशी नहीं हुई कि वन नेशन वन टैक्स का मतलब कि क्यों देंगे हर जगह टैक्स, जब आपको इतना लंबा हम जीएसटी दे रहे हैं तो जीएसटी में बंटवारा कीजिए आप जिसको देना है। पहले कपड़े में भी ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी लगती थी कंपनियों में, तो क्या राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता था, सभी राज्यों को जितना कपड़ा उनके राज्य में जाता था वहीं सेंट्रल से उनको डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल जाता था कि आपके बिहार में इतना अरब का गया इतना रुपया आपका बनता मिला। लेकिन आज डायरेक्ट जीएसटी जारी है हर राज्य से और उसका आंकड़ा भी आया है, अभी सरकार ने कहा कि इस महीने में हमको काफ़ी राजस्व प्राप्त, लेकिन फिर भी टैक्स का इतना बड़ा जाल छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर ये अच्छा नहीं लगता है और बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है। पुरुषोत्तम लाल पोद्दार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। देखिए इस बार जो पूरा देश इस कोरोना की मार से जूझ रहा है, आज दो साल से सभी वर्ग के लोग, सारे व्यापारी वर्ग, सारे माने होटल वर्ग, सारे इवेंट वर्ग, जो इस बुरी मार से कोरोना की बुरी मार से जूझ रहे थे, इन लोगों को इस बार ये आस था कि सरकार हम लोगों की सुनेगी और इस पर कोरोना को देखते हुए इस बार कुछ स्पेशल पैकेज देगी। लेकिन इस बार जो सरकार ने बजट दिया है वो लॉलीपॉप थमा दिया है और कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। ठीक है सरकार ने कुछ अच्छी योजना भी लाई है, लेकिन उस योजना से व्यापारी वर्ग को कोई भी लाभ होने वाला नहीं। इसलिए सरकार को आगे समझना पड़ेगा कि व्यापारी वर्ग के लाभ के लिए कि बजट में क्या दिया जाए। गरीबनाथ बंका, उपाध्यक्ष नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मंत्री ने बजट पेश किया, इसमें आम जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं है। लिमिट सीमा बढ़ाई जानी चाहिए थी, व्यवसायियों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। चूंकि अभी व्यवसायी दो वर्ष से कोरोना काल से ग्रसित हैं, उन्हें कुछ इसका फायदा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। हाँ, वंदे मातरम ट्रेन जो इन्होंने चलाई है वो बिहार में कितनी आवेगी इसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। 60 लाख नौकरियां देने की जहां तक इन्होंने घोषणा की है उससे कुछ बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन व्यवसायियों के हित के लिए कुछ भी इस बजट में प्रतीत नहीं होता है जो होना चाहिए था। और एक कि प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि वन टाइम वन टैक्स, उसमें प्रोफेशनल टैक्स भी व्यवसायियों से लिए जा रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस भी लिए जा रहे हैं, दोहरी मार जो व्यापारियों पर पड़ रही है, इसका व्यापारी समाज में काफ़ी क्षोभ है। इसके कारण कहीं एक जगह लिया जाए, व्यापारी सहर्ष देने को तैयार है, लेकिन दो जगह नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हमने चैम्बर के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री सह उप मुख्यमंत्री को कई पत्र चैम्बर ने दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुधार नहीं हुआ। इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए और ये एक जगह होना चाहिए, या तो सेल टैक्स हमसे प्रोफेशनल टैक्स ले ले या नगर निगम हमसे ट्रेड लाइसेंस ले ले। मैं राजीव केजरीवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर। तो इस आम बजट से जो हमने आशाएं की थी वो निराशाजनक में बदल गई है।
पिछले दो साल से जो कोरोना की मार हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो झेल रहा था उसके लिए हमने बहुत आशा की थी कि कुछ ना कुछ राहत पैकेज आएगा, उसकी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो इस बजट में अनाउंस नहीं किया गया। दूसरी बात कि आम लोगों के लिए ये बजट बिल्कुल भी निराशाजनक है। इस बजट में आम लोगों के लिए, मध्यम लोगों के लिए कुछ भी हमने जो सोचा था वो अनाउंस नहीं किया गया है। तीसरी एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये वन नेशन और वन रेट की जो बात करते थे हमारी सरकार, उस पर भी खड़ी नहीं उतरती है। इसीलिए कि जो CNG या जो पेट्रोल दिल्ली में और मुंबई में CNG 45 रुपये है, वही दूसरे स्टेट में बिहार में 70 रुपये है। जो पेट्रोल 100 रुपये दिल्ली मुंबई में है, वही पेट्रोल का रेट 110 रुपये है। तो वन नेशन और वन टैक्स की तो बात कहीं से भी यहाँ पे कारगर दिखती नहीं है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। और बजट के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि आम लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरा ये बजट, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की बात की गई है और पंचवर्षीय योजना की तरह अनाउंसमेंट की गई है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा, एक गिफ्ट टैक्स में बड़ा अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने कि जो रिसिपियंट है उनके हाथ में टैक्सेबल होगा वो गिफ्ट, वो भी बड़ा निराशाजनक रहा। ठीक है, तो बस यही एक मेरा अपना ओपिनियन है कि इस बजट से आलोक कुमार पोद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बजट में 60 लाख नई नौकरियां। हाँ, PM गति शक्ति योजना के तहत FM निर्मला सीतारमन जी ने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है अपनी, उससे नए सड़कें, नए कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन बढ़ेगी, उससे यूथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नया नया रोजगार बढ़ेगा, 100 ई स्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेंगे, तो फिर इसलिए ये हो। CA अंकित हिसारिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी मोदी सरकार 2 का आज बजट पेश किए हैं और इस बजट में क्या खास है, आइए हम गया वासियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बजट है, बजट में क्या खास है क्या नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू जी, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, बताया जाए, आज सरकार 2 का बजट पेश किया गया है, इसमें क्या खास है? आम बजट 22-23 जो आज पेश किया गया है, वो बजट पूरी तरह से गरीब मध्य वर्गीय वेतन भोगी युवा और किसान को निराशाजनक बजट है। इस बजट में न तो गरीब के लिए कुछ किया गया, न मध्य वर्गीय, न वेतन भोगी, न युवा, न किसान। सबों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस महामारी में जहां वेतन में कटौती हुई है, इस महामारी में जहां आम जन त्राही त्राही कर रहे थे, महंगाई की मार से आम जन बेहाल थी, लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमें जरूर राहत मिलेगी, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिला। केवल इसे एक इस तरह से डिजिटल का हवा खड़ा किया गया है, बातें की गई डिजिटल एजुकेशन का, बातें किया गया है डिजिटल विश्वविद्यालयों का। अब पहले तो 20 चैनल ही ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे, अब 200 चैनलों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और साथ ही साथ डिजिटल करेंसी से की भी बात की गई है कि RBI अब डिजिटल करेंसी जारी करेगा। PLI के स्कीम के तहत 60 लाख नौकरियों की संभावना बताई ये, गई ये है। पूरी तरह से उसमें एक चीज जो शुरू में जोड़ा गया है कि ये 25 वर्षों का रोडमैप है, और 25 वर्ष सच्चाई उजागर हो जाती है। जिस तरह से मोदी सरकार 2014 में ये बोल करके सत्ता में आई थी कि हम प्रति वर्ष 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अब वो 60 लाख की बात कर रही है, और उसके भी आगे जोड़ा हुआ है कि 25 वर्षों का ये रोडमैप होगा। इसका मतलब ये है कि हर एक वर्ष 2 लाख की नौकरी, जिस तरह से 1.5 लाख अभी तक वो दिए हैं, वो खुद आ गए, अब 2.5 करोड़ से वो 2 लाख पर आ गए हैं, ये पूरी तरह से प्रमाणित होता है। 80 लाख PM आवास योजना के बात कर रहे हैं, PM आवास योजना, मनरेगा, ये सब सब्ज बाग है, पूर्व से जो चली आ रही है उसमें कहीं से भी कोई आगे की बात नहीं की गई है। अब रेल बजट में 400 वंदे मातरम ट्रेन की बात कही गई है, तो एक बार 400 कह दिया गया है, लेकिन ये 400 ट्रेनें कैसे चलेगी, कब चलेगी?
ये थे प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू जो आज की बजट से लॉलीपॉप बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि इसमें बेरोजगार युवाओं, किसान और पूर्व की जो मनमोहन सरकार की योजनाएं थी उस पर अमल की गई है और ये मोदी सरकार लॉलीपॉप दे रहे हैं। विप्लव कुमार, नवभारत टाइम्स, गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है, 60 लाख नौकरियां देने की बात कही है। आइए हम जानते हैं कि इससे मीडियम फैमिली को क्या फ़ायदा होने वाला है। जी, अगर बजट की बात करें तो केंद्र सरकार की इस साल के बजट में 60 लाख नई नौकरियों का वादा किया और 80 लाख आवास बनाए। योजना तो बातें तो लच्छेदार लगती हैं, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है, इन आरोपों की पुष्टि भी हो जाती है। अब तक जो रहा है सरकार का कार्यकाल, नौकरियों की बातें सरकार द्वारा हर बजट में की जाती, लेकिन नौकरियां मिल नहीं पाती हैं, आवास मिल पाते हैं। कुल मिलाकर सरकार ने बजट सिर्फ लोक लुभावन लगता है, मिडिल क्लास फैमिली को उसमें कुछ नहीं है, टैक्स का स्लैब वही रह गया है। और बिहार वासियों की अगर बात करें तो बिहार के लिए तो बजट निराशा है, बिहार के लिए तो कोई खास घोषणा ही नहीं है इस बजट में। और आम आदमी की बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं किया गया, कारपोरेट का ख्याल किया गया है, बड़े लोगों का ख्याल किया गया है, और कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि बजट बहुत ज़्यादा आशाजनक लगता है। क्या आपको लगता है कि मीडियम फैमिली को इससे कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं, ये बजट केवल लॉलीपॉप दिया गया है? मीडियम फैमिली की अगर बात करें तो मीडियम फैमिली कोरोना काल के बाद से टूट सी गई है, कमर टूट सा गया है। और मीडियम फैमिली ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी बजट से कि कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा मीडियम फैमिली के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, कि उनको लगेगा कि उनके लाइवलीहुड में सुधार आ रहा है, लाइवलीहुड उनका ऊपर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बाद में क्या सरकार करती है ये देखने वाली बात होगी। अभी हम बात कर रहे थे जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी को सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया गया है। औरंगाबाद से NBT न्यूज के लिए आकाश कुमार।